हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्यारे से कटिंग बोर्ड का। इसका स्टेनलेस स्टील का कटिंग बोर्ड है और ये मेड इन इंडिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत हल्का है और बहुत ही पतला है, आप ऐसे देख सकते हैं इसको। तो ये चॉपिंग बोर्ड जो है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस का है। दिस इज़ जस्ट 250 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन, वहाँ से ही मैंने मंगवाया है। और आप ये पूरा देख सकते हैं कि इसमें आपका होल्डिंग के लिए हैंडल भी है, यू कैन हैंग इट ऑल्सो ऑन द हुक। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें पास में, तो इसमें ये मेजरिंग स्केल भी है, जिससे कि आपको अगर पर्टिकुलर साइज़ के वेजिटेबल्स चॉप करनी है तो आप यहाँ से मेजर करके भी चॉप कर सकते हैं, लाइक सम यू नो 2 इंच क्यूब्स और समथिंग व्हेन यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर रेसिपी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये 100% स्टेनलेस स्टील का है, मेड इन इंडिया है, सो लेट्स बी प्राउड ऑफ ओनिंग इट, गेटिंग इट। मैंने पहले बहुत सारे चॉपिंग बोर्ड्स जैसे प्लास्टिक के और वुडन भी यूज़ किए हैं, पर अगर थोड़ा सा पानी लगा रह जाए तो वुडन वाला चॉपिंग बोर्ड भी ब्लैक हो जाता है और वो फिर बिल्कुल यूज़ करने का मन नहीं करता। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस चॉपिंग बोर्ड, आई रियली लाइक्ड इट। और इसमें ये स्टेनलेस स्टील का है, तो अभी यूज़ करके देखते हैं कि कैसा चलता है, और फिर थोड़े दिन के बाद अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इसका रिव्यू वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो जिसको भी ये चीज़ चाहिए उसके साथ शेयर कर लीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या इसका रिव्यू चाहिए। तो 1 मंथ के बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो भी डाल दूँगी। पहले भी मेरे चैनल पे रिव्यू वीडियोस हैं कढ़ाई का और फ्राइंग पैन का, दे आर वर्किंग क्वाइट वेल, अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया जब मैंने वो वीडियोज़ पोस्ट किए थे, तो इसका भी मैं आपको रिव्यू वीडियो बनाकर दिखाऊँगी। सो दिस इज़ अ स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड, वेरी लाइट, very slim and thin, very easy to hold and use. और इसको use करके फिर मैं इसका review video डालूँगी। channel को subscribe कर लीजिए ऐसे और review videos के लिए और motivation के लिए। और इसका review video अगर आपको चाहिए तो comments में ज़रूर लिखिएगा। thank you, I'm signing off now.